प्रेजेंट्स सीधी बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं तुबा फातिमा फ्रॉम शहबाबू इंग्लिश स्कूल प्राइमरी एंड हाई स्कूल फातूर। आज हम एक ऐसी हस्ती का इंटरव्यू लेने जाते हैं जो इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, जो कि फातूर ही नहीं बल्कि अकोला जिले में भी एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। गुड मॉर्निंग सर, टुडे इन द इंटरव्यू आई विल ट्राई टू नो सम फैक्ट्स एंड योर जर्नी इन दिस एजुकेशनल फील्ड सिंस लास्ट अबव 50 ईयर्स। सो सर, माई फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड यू स्टार्ट टीचिंग करियर? Yes, when I have passed my 10th examination and then I have joined college, after 11th standard, I have joined as a teacher in Municipal Council Primary School, as a teacher, from 1967. Have you decided to become a teacher since from your childhood? No. I was interested to get education from science faculty, math, science, but due to some family problem, I was not able to continue my education from science stream, so I got arts. And then after arts, it is my opportunity to become a teacher. Sir, what is your qualification at the beginning of your career? At the time, I was only 10th standard pass. When you entered as a teacher in SBE society, what was your post at that time? When I was interred in Shahbabu Junior College, at that time I was double MA B.Ed. MA in History, MA in Urdu and B.Ed. सर, बाहर के सभी बाहर के स्टूडेंट्स फातूर में एजुकेशन के लिए आते, दूसरे स्कूलेज कॉलेज सिटीज भी तो है, सिर्फ फातूर में क्यों आते एजुकेशन के लिए? बिकॉज we have started education in natural way, English medium, science, math, or especially the working staff, because in Patur some new faculties are here and students from Buldhana and other district, they are preferred to join this institution. There are lot of infrastructure, lot of faculties and other facilities. Yes. Sir, what is your subject of teaching? I was taught especially Urdu, then history. Yes. These two subjects are in my post graduation. So I have taught these two subjects. Sir, आप education system में क्या बदलाव चाहते? हाँ, बदलाव हम ये चाहते हैं कि एक पहले ये किताबी education, book वाली education ना हो, practical education. कोई भी education का हमारी life से relation आना चाहिए. सिर्फ किताबी कीड़े बनकर और exam pass करना, इसको हम education नहीं कहेंगे. एजुकेशन में बिहेवियर चेंज, नॉलेज इम्प्रूवमेंट, स्किल इम्प्रूवमेंट एंड देन कॉन्फिडेंस बिल्डअप, कैरेक्टर बिल्डअप, ये सब मिलाकर जो काम होगा वो एजुकेशन। सर, व्हाट इज योर मैसेज फॉर न्यू टीचर्स, दोस्त हु बिकम? मैं नए टीचर्स के लिए यही कहूँगा कि ये प्रोफेशन दुनिया में साधु संतों का प्रोफेशन, ग्लैमर नहीं है इस प्रोफेशन में, टीचर में. और जो इंसान के बच्चों को बनाने का प्रोफेशन है, और ये अगर एक भी बच्चा बनते बनते बिगड़ जाए तो पूरे फैमिली, माशरे और कंट्री के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होगा. सर, आज जैसे टीचर्स डे है, वैसे ही चैरिटी डे भी है, तो सर हमने सुना आपने आपके बड़े भाई को कोई बॉडी ऑर्गन
डोनेट किया है? हाँ, इट इज़ अ पर्सनल क्वेश्चन, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन। यस, हमने दिया है। हर इंसान ने अपना कोई ना कोई पार्ट या भाई ब्लड ये देना चाहिए, ये मैं आप सबसे अपील करूँगा। अगर किसी की जान बच सकती है तो हमने कोशिश करनी चाहिए अपनी जान को बचाते हुए। नहीं सर, हमने इसलिए पूछे क्योंकि कोई भी इंसान अपनी जान के लिए लड़ता है ना। हाँ नहीं, अल्लाह पर भरोसा रहा तो फिर अल्लाह मियाँ तो सबकी जान बचाने वाले हैं जी। सर, टेल मी अबाउट योर टीचिंग फिलोसफी, योर थिंकिंग। हाँ भाई, मैं तो यही कहूँगा कि इंसान की तामीर, या जिसको हम बोलेंगे कि भाई स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट, दैट मींस हिज मेंटल डेवलपमेंट, हिज फिजिकल डेवलपमेंट एंड देन हिज नॉलेज डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स विद द डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब मिलकर अगर हम एक स्टूडेंट को डेवलप करेंगे तो ये हमारे प्रोफेशन का मेन पर्पस होगा, यही हमारा प्रोफेशन। सर, समाज में कास्ट का इतना तनाव फैला है, मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम, मतलब किसी भी स्टूडेंट ने और टीचर ने, ये एक आर्टिफिशियल बात है कास्टिज्म, आपके मेरे हाथ में नहीं है किसके घर में पैदा होना। ये वो लोग हैं जो चोर और जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते, उनके पास ये कास्ट का की बात आती। मैं चाहूँगा कि आपने भी कास्ट के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल ये एक नेचुरल चीज़ है, और टीचर ने तो सोचना ही नहीं। और हमारे यहाँ आपने देखा होगा, हम कास्ट के बारे में कुछ भी यानी ऐसा हमारे थिंकिंग नहीं है। कोई हर एक ह्यूमन बीइंग इज़ अ बेस्ट पॉलिसी, इंसान ही सबसे बड़ी बात है। सर, कुछ लोगों की थिंकिंग है कि गर्ल्स को पढ़ाना नहीं चाहिए, और आजकल गर्ल्स सबसे आगे है, तो आपकी थिंकिंग क्या है, गर्ल्स को पढ़ाना चाहिए कि नहीं है? भाई, जब बोला जाता है कि माँ एक बच्चे का पहला स्कूल होता है, तो अगर माँ पढ़ी लिखी होगी, नॉलेजेबल होगी और सिंसियर होगी तो वो अपने बच्चों को सिखाएगी। तो ये सिंसियर होना, नॉलेजेबल होना, इसके लिए तो लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल लड़कियां एजुकेशन में हमारे स्टूडेंट बॉयज़ से आगे जा रही, और ये एक अच्छी बात है।